नमस्कार, आप लोग देख रहे हो रियासी जेके न्यूज़। आपको बता दूं, हर बार आप लोगों की मदद के लिए आगे आते हो। और मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय जो जोगिंदर कुमार जी थे, पौनी में दुकान करते थे, अचानक बीमारी के कारण उनकी हाथ गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी जो धर्मपत्नी है, इनके तीन से चार बच्चे हैं और उन्हें काफ़ी लोगों ने मदद की थी। हमने लॉकडाउन में न्यूज़ चलाई थी और आप लोगों ने काफ़ी उनकी मदद भी की थी। और आज इन्होंने हमें बताया कि इनकी जो बड़ी बेटी है, उनकी शादी है। जो जोगिंदर कुमार जी है, उनका ये मन था कि जो लड़की का रिश्ता करवाया था वो उसी लड़के के साथ हो, और ये उन्हीं बातों पे अटल हैं। और जाके इनका रिश्ता जो है वो हो गया, और उसी दिन बाद इनकी लड़की की वो जो है वो शादी है। तो इन्हें काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी, और आप लोगों के सहयोग से ये जो दिक्कतें हैं तो वो लोग पूरा हो सकता है। चलो, कल मैं जानता हूँ कि इनकी लड़की की जो शादी है वो कब है। मैम, पता कौन लगे मां नहीं प्यो। मेरे निके निके बच्चे जेडी कुड़ी है, कुड़ी है, हां जी, मेरे होर होंदी मेरे ब्याह ते नहीं देनी। अच्छा, हूँ कोई समस्या थोड़ी आ गई, कुसी ने कोई मांग नहीं की है, तो उसने आपको सोचा था कि ब्याह कुड़ी का शैल शैल हुई गया। मैं चलो शैल देख के दे। हां हां, ते हूं कदों ब्याह? 17 तरीक से 18 तक है। मतलब फरवरी महीने, इसी महीने? हां जी, लेता किश नहीं है अभी। अच्छा, समान समून लेके राशन दूसरे ने लिया अंदर? नहीं, किश भी लेता हूं मैं, लेना भी है ब्याह। आज कुछ बाजार आए थे, पौनी में खरीदारी करा थे के? हां, थोड़ा लेता सामान, सगने का सामान लेता। अच्छा, चलो लोग अगे पिछे मदद शदद कर। तो ये सारा मामला था। काफ़ी सारी एनजीओ ने, जब हमने खबर चलाई थी, एनजीओ भी आगे आए थे, और लोकल जो पौनी के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी इनकी मदद की थी, वो लोग आगे आए थे। और मैं एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जो इनकी लड़की की शादी है उसमें आप अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। मैम, कितनी तारीख है? 17 तारीख को इनके सगन है, और 18 तारीख को बारात भी है।